हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आज 14 मई 2019 है, मंगलवार का दिन है और आज जो अपडेट लेके आया था जेट एयरवेज में, जेट एयरवेज में बहुत आज देखेंगे कोई भी इसमें बाइंग नहीं आ रही है। इस जेट एयरवेज को बाय करने के लिए कोई भी आगे नहीं आ रहा है। एहतियात भी आ रहा है लेकिन उस कंडीशन पर आ रहा है। एहतियात इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इन जेट एयरवेज बट विल होल्ड मॉनेटरी स्टेक, ये पूरा स्टेक नहीं खरीदने को तैयार है। और आज देखेंगे जो वॉल्यूम हो रहा है, आप देखेंगे कंटिन्यू 21 लाख, 2 करोड़ 15 लाख 5 हज़ार, आज 1 करोड़ 80 लाख 43 हज़ार का वॉल्यूम हो रहा है। 3 से 4% की डिलीवरी हो रही है। सेंटिमेंट बाइंग 64% और अगर डिलीवरी परसेंटेज देखें तो 4 से 5% है। जेट एयरवेज की फाइनेंशियल की बात करें तो ऑपरेटिंग आज इंटरेस्ट का इनके पास जो है डेप्ट है 5,229 करोड़, EPS नेगेटिव है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो नेगेटिव है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन नेगेटिव है, हाई 479 का लो 118 का है। और आज जो ये चल रहा है कहीं ना कहीं ये चल रहा है अपने लो पे ही चल रहा है, 118.90 का लो है तो 128 पे जा रहा है। 100 तक का भाव इसमें आपको देखने को मिल सकता है। मैंने आपको इसको पहले भी बताया था कि ये 125 का लेवल टच कर सकता है, 100 टूटते हुए नहीं दिख रहा है मुझे अभी। अगर बहुत बड़ा कोई न्यूज़ नहीं है तो क्लोजिंग बेसिस पे आपको 100 देखने को शायद इसमें भी नहीं मिलेगा। 100 तक एक अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे आप बाय कीजिए। लेकिन ये बहुत रिस्की ट्रेडर है, उन्हीं को सिप लेना है जिसका हो सकता है कि ये 0 रुपया पे चला जाए तो आपको लॉस नहीं, उतना ही शेयर लेना है या उतना ही पेपर ट्रेड करना है। तो जेट एयरवेज में कहीं ना कहीं एक आपको देख रही है बिकवाली देखने को मिल रही है। उसमें एक और रीज़न भी ये है कि जो अभी बाइंग सेंटिमेंट है वो निगेटिव है। आप मई में देखेंगे जहाँ मार्च में 33,000 और 21,000 करोड़ का, अप्रैल में बाइंग तो वहाँ सिर्फ 96,000 करोड़ का बाइंग है। और अगर जेट एयरवेज की बात करूँ तो दो एक निगेटिव न्यूज़ है, इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इन जेट एयरवेज बट विल होल्ड माइनॉरिटी स्टेक, एहतियात है एयरवेज। 14 मई को उन्होंने बोला मैं छोटा सा शेयर लेके रखूँगा, ये एक निगेटिव न्यूज़ था। उसके बाद देखेंगे तो कहीं ना कहीं जेट एयरवेज में और एक न्यूज़ आई है जो कि वॉल्यूम से बता रही है कि वो कहीं ना कहीं नेगेटिव सेंटीमेंट के साथ ही रहना चाहती है। जेट एयरवेज को अगर डेरिवेटिव में जाकर के जज करने की कोशिश करें तो यहाँ पे देखेंगे ये जेट एयरवेज आज क्लोज हुआ 128.90 पे 14 मई का है, 30 मई की एक्सपायरी को देखें 100 पे इसको देखेंगे आज ही 2 लाख का इसमें शॉर्टिंग की पोजिशन बनी है, राइटिंग भी है पुट पे, और 5,65,000 का क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट है। तो 100 पे इसको बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलने की संभावना है, इसको लेवल को एटलीस्ट इसको ब्रीच नहीं करेगा यहाँ पे ऐसा दिखता है। और अगर इसके डिटेल में जाकर के इसके पुट को जाकर के डिटेल में जाकर के देखें तो 100 का पुट है 30 मई को, बाइंग है 2,53,000 और सेलिंग भी 2,50,000 का है, 54 का ओपन इंटरेस्ट है, लो 11 का है, हाई 12 का है, क्लोजिंग 12 का हाई 22 का है और मार्केट लॉट है 2200 का। और हो सकता है कि ये आपको अभी बैन की कैटेगरी में भी देखने को मिल सकता है, आपको हो सकता है कि ये बैन में हो। तो अगर जाकर के इसके बैन की कैटेगरी में एक बार चेक कर लें कि बैन में है कि नहीं है ये, तो यहाँ पे जाकर के अगर बैन की कैटेगरी को देख रहे तो यहाँ पे देखेंगे तो आज ये बैन से बाहर है, 15 में कोई भी बैन में नहीं है तो बैन से ये बाहर निकला है। आज के डेट में ये बैन में नहीं दिख रहा है, एक अच्छी बात है बैन में आज ये नहीं है, अदरवाइज ये कल तक बैन में था तो ये कल बैन से बाहर निकलेगा। उसके पहले देखेंगे तो दो न्यूज आ चुकी है इसमें, एक तो जेट एयरवेज के जो इंडस्ट्री है अमित अग्रवाल रिजाइन एज ए डेप्टी CEO एंड CFO, अमित अग्रवाल ने रिजाइन दे दिए। दूसरा इनके CFO अमित अग्रवाल स्टेप्स डाउन, तो बोथ ने रिजाइन दिया उसके चलते ये और भी गिरा, तो आपको एक गिरावट इसमें देखने को मिल रही है और ये एक रेंज बाउंडेड अभी दिख रहा है। और अब ये इसको
140 क्रॉस करने में टाइम लग जाएगा। आरएसआई देखें तो आरएसआई 57 बेसिस पे दिखा रहा 5 आवर्स पे, तो वो उतना ख़राब नहीं है, लेकिन डेली बेसिस पे जब आरएसआई देखेंगे तो डेली बेसिस पे ये आपको दिखा रहा है 29%। तो मतलब यहाँ से जो फॉल की संभावना है बहुत कम है, 100 तक है, ऊपर में ही आपको वापस 200 रुपये तक का स्क्रिप्ट, अगर कोई भी इसमें अच्छी बाइंग आ गई तो 200 तक का आपको दिख सकता है। लेकिन आपको पहले ही पता है इसमें सिर्फ रिस्की ट्रेडर इसमें डील करें तो ज़्यादा अच्छा है, कोई बहुत बड़ा इसमें इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट इसकी सिनेरियो अच्छी नहीं है, कोई भी बाइंग के लिए हम तैयार नहीं है, एहतियात कंडीशन के साथ बाइंग को तैयार है। अगर वेटेड एवरेज वॉल्यूम के हिसाब से देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस सेक्शन में क्लोजिंग में अच्छा दिया है, तो वो एक अच्छी चीज़ है। लेकिन यहाँ पे डिलीवरी बेस देखेंगे तो 142 पे 140 डिलीवरी बेस सेलिंग हो रही थी यहाँ पे, आज शायद कहीं ना कहीं डिलीवरी बेस सेलिंग उतनी नहीं देखने को मिली, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे भी अभी भी सेलिंग प्रेशर बना रह सकता है। अगर ये किसी कारण से अपने 100 के लेवल को तोड़ता है तो इसके लिए ख़राब होगा, और फिर ये आपको आराम से 80-75 तक जाते हुए दिख सकता है। लेकिन जो यहाँ पे दिख रहा है कि इसको एक अच्छा खासा डेरिवेटिव में यहाँ पे सपोर्ट है, वो सपोर्ट इसको मिलना चाहिए, और 100 के आसपास इसको यहाँ पे सपोर्ट मिल के रहेगा, मिलना चाहिए, अच्छा है। ऊपर में ये अभी बहुत जल्दी ये क्रॉस नहीं कर सकता है 150, ऐसा दिखता है 150 के पास यहाँ पे इसको यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा, क्योंकि अप टू 150 देखे तो 7 लाख शेयर का हो जाता है क्यूमुलेटिव ओपनिंग डिस्क, तो कहीं ना कहीं 150 की ओर जाते हुए थोड़ा सा टफनेस है। प्राइस पैटर्न एक्शन से तो दिख रहा है कि यहाँ पे थोड़ी बाइंग हो रही है कॉल की ओर, और पुट की ओर शॉर्ट हो रही है। एट द मनी 120 की बात करें तो 26,400 का यहाँ पे बाइंग हुआ है सपोर्ट के रूप में, 1,10,000 का क्रिएशन हुआ है, यहाँ पे कोई भी एक्टिविटी नहीं हुई है, और 1,34,000 का पुराना ओपन इंटरेस्ट है। लेकिन ठीक इसके ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन बनाई जा रही है ऊपर की ओर, प्राइस सेक्शन में कहीं ना कहीं यहाँ पे 130, 140, 150 पे यहाँ पे कॉल राइटिंग की पोजीशन बन रही है, तो हो सकता है एक बार आपको थोड़ा सा ये अपसाइड जाते हुए दिखे एक दो दिन के लिए, लेकिन आपको 100 से 150 के रेंज में ये अभी आपको देखने को मिल सकता है, रेंज बाउंड में हो सकता है। छोटे ट्रेडर चाहें तो इसमें, या छोटी क्वांटिटी में चाहें तो इसमें नीचे की ओर बाय करें 100 के आसपास, बहुत से बहुत इसमें 80 तक जा सकता है, इससे नीचे जाएगा नहीं, तो 100 के आसपास बाइंग करते हैं, 150 और 175 200 जाता है, तो वहाँ पे आपको सेल की पोजीशन बनानी चाहिए। तो आप चाहें तो एक रेंज बाउंड 100 से 150 के रेंज बाउंड में ये अभी रहेगा, रह सकता है, तो वहाँ पे आपको एक वॉच लिस्ट रख के देखना चाहिए क्या करना चाहिए। अगर ये 5 मिनट के पैटर्न पे देखें तो यहाँ एक बाइंग पैटर्न थी, फिर यहाँ पे सेल थी, फिर न्यूट्रल पैटर्न पे जाके क्लोजिंग दे दिया इसने। और आवरली बेसिस पे देखें तो आवरली बेसिस पे जब तक ये 145 को क्रॉस नहीं करता है तो थोड़ा सा इसमें सेंटीमेंट नेगेटिव करा सकता है। जैसे 150 पे एक है, वहाँ पे एक रेंज बाउंड हो सकता है 150, चाहें तो आप 150 की ओर से इस पर 38% आवरली बेसिस पे देखें तो RSI है, तो बहुत ऐसा भी नहीं कि RSI बहुत नेगेटिव दिखा रहा है, वो 20 तक तो जा ही सकता है, और पहले ऑलरेडी ये गया हुआ है 18-19 तक, तो यहाँ से अभी भी 100 के पॉइंट की ओर जाता हुआ दिखे तो कोई बहुत बड़ा सरप्राइज जैसा नहीं दिखता है। तो अभी देखें तो ये सारे मूविंग एवरेज को तोड़ा हुआ है, और आज भी देखें डेली बेसिस पे तो एक कहीं ना कहीं ये वॉल्यूम के साथ देखिए यहाँ पे जो दिख रहा है ये सेलिंग पैड सेल हो रहा है, प्राइस सेक्शन पॉजिटिव है, बट देखिए कंटिन्यू लोअर लो की पोजीशन बना रहा है, तो ये कहीं ना कहीं आपको तोड़ते हुए 118 वापस 118 पुराने 18 पे जाके वहाँ से ऊपर ले तुले, अदरवाइज ये एक बार 100 की ओर जाते हुए आपको दिख सकता है। रिस्की ट्रेडर चाहें तो इसको लॉन्ग टर्म के लिए, जब इसको अच्छे कोई बायर मिल जाएंगे वहाँ के लिए अच्छा है, वहीं एक्युमुलेट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए एक रिस्की है, रेंज बाउंड 100 से 150 के रेंज में रह सकता है, 100 से 160 के रेंज में ये आपको देखने को मिल सकता है। तो जेट एयरवेज अच्छा वेल्थ डिस्ट्रॉयर है, 800 से गिर करके आ जाए 128 पे है। प्राइस सेक्शन आपको वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस सेक्शन बताया है कि यहाँ पे थोड़ा पॉजिटिवनेस दिख रहा है,
हो सकता है कि आपको यहाँ पे भी डेरिवेटिव में भी जो दिखने को मिल रहा है आपको यहाँ पे भी बाइंग ही दिखने को मिल रहा है यहाँ पे प्राइस एक्शन के साथ, तो कहीं ना कहीं 130 140 की ओर आपको जाते हुए दिख सकता है यहाँ पे। तो जेट एयरवेज में पॉजिटिव व्यू शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है 140 की ओर जाए और नीचे 100, तो 100 से 150 भी ये रेंज कर सकता है, और तब तक इलेक्शन के रिजल्ट भी आ जाएंगे 23 तारीख को। उसके बाद इस पर क्या एक्शन होता है और कोई नाम आता है अच्छा तो वहाँ से आगे की ओर निकलेगा। लेकिन जो बहुत रिस्की ट्रेडर हैं उनको यहाँ पे पोजीशन बनाएं, छोटा छोटा पोजीशन बनाएं ताकि और नीचे लेवल पे एक्विजिशन कर सकें। तो ये एक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्क्रिप्ट हो सकता है, मतलब जब भी इसको कोई अच्छा ट्रेडर मिलेगा, अच्छी कोई एहतियात जैसी कंपनी और दो मिल के लेती हैं, तो वहाँ पे इसकी जो वैल्यूएशन खुद पहले एहतियात ने 150 की लगाई थी, तो एटलीस्ट उतना तो है ही वैल्यूएशन 150 तक का। तो अगर नीचे जाता है और आपको वापस बाद में वन मिलता है 100 के आसपास, तो ये कभी भी 150 का रेट आपको दिखा सकता है फ्यूचर में, तो आप वहाँ से प्राइस से लेकर के निकल भी सकते हैं। तो जेट एयरवेज पे हाईली रिस्की ट्रेडर पोजीशन बना सकते हैं, पेपर ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट में मेरा कोई भी रिकमेंडेशन है कि आप बाय करें सेल करें, आपको मार्केट में कुछ भी बाय और सेल करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही करना है। तो यस बैंक में शॉर्ट टर्म के लिए 140 की ओर ज़्यादा दिख रहा है, लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं तो ये थोड़ा एक बार 100 की ओर जाएगा फिर 150 क्रॉस करेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।